अकबर के दरबार में इस बात की चर्चा हुई कि तुलसीदास जी भक्ति आंदोलन के माध्यम से व्यापक जनजागरण के कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो कहते हैं कि अकबर एक उदार बादशाह था, उन्हें लगा कि जबरन दबाऊं का तो लोगों में विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अपने नवरत्नों में बिठा करके मैं एक ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि जागरण का कार्यक्रम किसी प्रकार से मंदा हो, ठंडा पड़ जाए। तो उनके एक सिपहसालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम, और उन्होंने उस समय नारा लिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की, यानी एक ही राजा उन्होंने कहा था। अकबर को उन्होंने कभी भी राजा नहीं माना, विश्व विजेता बनने का सपना देखने के लिए भारत की ओर मुड़ा। तो कहते हैं सिंध के तट पर जब उसने डेरा डाला तो उसे पता लगा कि यहाँ कोई एक योगी बैठा है, और वह योगी विभिन्न प्रकार के चमत्कार करता है। तो सिकंदर को लगा कि मैं अपने सेनापति के माध्यम से अगर उन्हें बुलाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे और मैं भारत के बारे में उनसे रहस्य जान करके भारत पर की विजय प्राप्त करूंगा। तो जब सिकंदर ने अपने सेनापति के माध्यम से संदेश भेजा कि सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर आपको बुला रहा है, तो योगी ने एक ही जवाब दिया कि हम किसी विश्व विजेता को नहीं जानते हैं, हम इस विश्व विधाता को तो हम जानते हैं जिसने इस धरती का निर्माण किया है, लेकिन बाकी कोई इस विश्व का विजेता नहीं हो सकता।